जनाब आला वकार पहली वही आती है इकरा पढ़ यानी के पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जिंदगी का पहला सबक मिला पढ़ यानी के इल्म हासिल कर। जनाब आला तालीम का मतलब है जानना, मालूम करना या किसी बात का इकरार करना। इंसान तालीम की बदौलत तरक्की की राह पर गामजन होता है, इल्म की गहराइयों में डुबकियाँ लगाकर सितारों की खोज करता है, जमीन के सीने से वादियाँ तलाश करता है और समुंदर की गहराइयों से हीरे जवाहरात तक सिंचाई हासिल करता है। पानी और सूरज के शुआओं से तवानाई के उसूल तक सब तालीम की मरून मिन्नत है जनाबे आला, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का तरीका। तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की गोद से लेकर गोद तक इल्म हासिल करो। एक जगह और इरशाद फरमाया कि तालीम हासिल करो फिर तुम्हें चीन ही जाना पड़े। जनाबे आला तालीम का उसूल न सिर्फ कामयाबी का सनामन है बल्कि किसी इंसान की शख्सियत को पूरा दिमाग और निखारने में भी अहमियत का हामिल है। तालीम हर कौम की बुनियाद होती है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रही हूँ तू गुरू होने वाला। जनाबे आला इसी इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहलाया। आसमानी सहीफों से लेकर कुरान शरीफ तक कोहे नूर गारे हीरा के चिराग से लेकर कोहे नूर की तजल्ली तक, पत्थरों की दुनिया से लेकर बुलंदों बाला इमारतों तक, बुलंद घड़ी के सुइयों से लेकर हवाओं में उड़ान तक, जमीनों बहर से लेकर आसमानी पुला के सफर तक, इल्मो दानिश की सदा पुकार पुकार कर कह रही है कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। जनाबे आला तालीम इंफरादी और इज्तमाही तौर पर निहायत अहम है। तालीमी मुआशरे को बेहतरीन और बाशोर शहरी बना सकती है। तालीम हर कौम का बुनियाद होती है जो कौम को माशरती इस्तेहकाम और ज़हनी काबिलियत देती है। तालीम तजारती पैदावार और हुनरमंद वर्कर्स में इजाफा करती है। किसी भी मुल्क की तजारत पैदावार और तरक्की इन्हिसार सब तालीम पर होता है। मैं अपनी तकरीर को इन शेर के साथ खत्म करना चाहूँगी, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे वो दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आपकी तालियों से पता चल रहा है कि आपने तकरीर बगौर सुनी और आपको पसंद आई। अंदाज़े बयान बोलने का तरीका जो है वो आप देखें कि किस तरीके से कि वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं और बोल रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं वहाँ पर आकर बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, इसी के साथ मैं 10वीं जमात से सीनियर ग्रुप से कालम एंड ग्रुप को ग्रुप सॉन्ग के लिए बुलाना चाहूँगी। कालम एंड ग्रुप सीनियर ग्रुप में देखो मुझे
हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिक्के डाल रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जहाँ से प्यारा है ये हिंदुस्तानी।